तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको दो दिन पहले या दो तीन चार दिन पहले एक वीडियो बना के बताया, जिसमें बताया था कि सैमसंग A52s का अप्रैल का सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट हो चुका है जर्मनी में और यूरोपियन कंट्रीज में। तो फाइनली आज ये अपने इंडिया में भी रोल आउट हो चुका है और मेरे मोबाइल में ये अपडेट आ गया है। कितने MB का अपडेट आया है, क्या इसके बाद चेंजेस लगता है हुए हैं और इसको अपडेट करने के बाद क्या फर्क लगा है, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताऊँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। यहाँ पर चले जाना है ऊपर की तरफ, ऊपर ही आपको दिख रहा होगा और ऊपर नहीं दिख रहा है तो नीचे आएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में जाना है एंड वहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक नया अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ नई सिक्योरिटी अपडेट की गई और एक वार्निंग दी गई कि अगर आप इसको अपडेट करेंगे इसके बाद आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे देखेंगे कुछ नए इनहांस फीचर एड ऑन किए गए हैं, कुछ बक्सेस फिक्स किया गया है और कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। और नीचे आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इसका जो साइज़ है 297 MB का ये अपडेट दिया गया है। इसके अंदर 1UI 6.0 का अपडेट दिया गया है और 14 Android रहने वाला है और सिक्योरिटी पैच आपको 1 अप्रैल की मिलने वाली है। तो इसको कर लेते हैं पहले तो अपडेट, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर अबाउट फोन में पहले तो आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट मैंने यहाँ पर कर लिया है, 16 अप्रैल को उसको अपडेट कर लिया है। इसका साइज है नीचे की तरफ देखेंगे 300 MB का ये अपडेट आया, 297 MB का ये अपडेट आया था, जिसके अंदर 1UI 6.0 का वर्जन मिलने वाला है, एंड्रॉइड 14 मिलने वाला है, अप्रैल की सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया किया गया, आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट एबल टू डाउनग्रेड द ओल्ड सॉफ्टवेयर। जैसा कि उन्होंने हर बार लिखते हैं कि इसको अपडेट करने के बाद आप डाउनग्रेड में नहीं जा सकते और इसमें कुछ डिवाइस की स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई, कुछ बग फिक्सेस किए गए, निहांस कुछ इनहांस फीचर्स किए गए, ऐसा उनका कहना है। अब बाहर आके हम मैं ले जा रहा हूँ आपको अबाउट फोन में एंड देन यहाँ ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 1UI 6.0 ही दिख रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अप्रैल सिक्योरिटी की अपडेट दिख रही है 2024 की। अगर आप देखें यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको बता भी देगा क्या क्या कुछ कुछ बक्सेस जो भी होंगे यहाँ पर क्लियर आउट फिक्स आउट किए गए होंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा कि सैमसंग ने प्रॉमिस किया था कि 4 साल तक वो अपडेट देंगे, तो ऐसे ही वो अपडेट अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेज में दे रहे हैं और आपको ये अपडेट मिल रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये अपडेट आपको मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये अपडेट देने के पास फायदा क्या होता है और कंपनी को क्या फायदा होता है। दोस्तों कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे फोन के परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करती जाती है अपडेट देने के बाद। पर कई केसेस में अच्छा भी है अपडेट करना, बिकॉज सिक्योरिटी इंप्रूव भी करती है और कंपनी अपना फायदा तो सोचेगी, बट इम्प्रूवमेंट ये आपके लिए फायदा ये रहता है कि आपके डिवाइस की सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है, कुछ छोटे मोटे जो बक्सेस होंगे उसको फिक्स आउट कर दिया जाता है और कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी आपको चलने वलने में, वो सब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये मेरा अपडेट हो चुका है, जिसको लगभग आधा एक घंटा हो गया अपडेट करने के। हम इसको नॉर्मल यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैं कॉलिंग पे आया, कॉलिंग पे आने के बाद यहाँ कॉन्टेक्ट पे आया और आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको ओपन नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिलहाल ये सही चल रहा है। मैं मैसेज में आया, यहाँ पर मैसेज को खोला, मैसेज पे आने के बाद इसको चला के देखा तो ये भी अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ ऐसी मैंने गैलरी खोली, गैलरी को भी मैंने फोटोज़ को पूरे यहाँ सिग्नेशन कर लिया ऊपर तक, सब यहाँ पर फटाफट खुलती भी जा रही है फोटोज़। कुछ पहले मेरे साथ कुछ बक्सेस आ रहे थे कि जैसे जैसे मैं नीचे कर रहा था फोटोज़ की जो व्यूज़ है ना, थंबनेल नहीं आ पा रहे थे, सब यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो सब यहाँ पर इजीली चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं गूगल फोटोज़ को भी ओपन कर लूँ तो वो भी यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे वो भी यहाँ पर सब बढ़िया चल रहा है। और सारी ऐप्स को मैं कंटिन्यू खोलता जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर कैमरे को खोल लूँ तो कैमरा भी आपको दिख जाएगा, कैमरा खुल चुका है यहाँ पर। ऐसे ही मैं दूसरा ओपन कैमरा भी खोल लूँ तो वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चल चुका है। और ऐसे ही मैं बहुत सारी ऐप्स, ये व्हाट्सअप को खोल लिया मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप को खोल लिया है, ठीक है, ये मैंने वीडियो प्लेयर को खोल लिया और यहाँ पर प्ले स्टोर को, गैलेक्सी स्टोर को, और मैंने बहुत सारी ऐप्स को सबको यहाँ पर खोल लिया। आप देखेंगे लगभग मैंने बहुत सारी ऐप्स को यहाँ पर खोल लिया है और उसके बाद भी परफॉर्मेंस में देखा जाए तो कोई भी इशू नहीं है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बढ़िया बाकायदा बिल्कुल बेहतरीन मिल रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, मान लो पॉपअप देखेंगे, जैसा कि पॉपअप पहले आता था सेम उसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको पॉपअप मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस में चलने वाइज में कोई दिक्कत नहीं आ रही, परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन चल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं आ रहे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा था हैंगिंग का। अभी कल तो मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मेरे पास किसी के कॉल आ रहे थे तो स्क्रीन में कॉल ही दिख रहे थे, सिर्फ बेल बज रही थी और उठाने का ऑप्शन तक नहीं आ रहा था।
कल, हो सकता है इस अपडेट के बाद उसको भी यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है, बट फिलहाल इस अपडेट का मेरे को लगता है सही साथ चल रहा है। और फाइनल आपको रिव्यू बताइए कि एक दिन बाद आई जाएगा कि कैसा फाइनल ये अपडेट था। फिलहाल ये यहाँ पर ओवरऑल गुड लग रहा है और आपको अपडेट करना चाहिए। जो 6.1 की बात है, हो सकता है मिड अप्रैल में आए या एंड अप्रैल में या फिर मई स्टार्टिंग में, तो लगभग आ सकता है सिक्योरिटी अपडेट के साथ। तो यही नया अपडेट था सैमसंग A52s के लिए, जिसका उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना, और हो सके मुझे व्हाट्सएप भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।